Hello students, good morning everyone. Today we are going to discuss a numerical from cost management that belongs to CVP analysis, that is cost, volume and profit analysis. I have sent you the questions to all my students earlier in the group, and I hope so that I am going to discuss this question one by one. Today we are going to discuss this question, that is from the following particulars, calculate the amount of fixed cost. And then which is this question, which is ki pata karna fixed cost ki sanu fixed kharcha ki payega. Marginal costing de vich assi different methods nal apni cost reduce karan di koshish karde hain. The cost de vich sab to pehle is question de vich assi ye discuss kar rahe hain ki assi apni cost kis tarah nal reduce kar sakde hain. Then sade kol given particulars is tarah ne. Sales rupees 5 lakh rupees, direct material rupees 1,20,000, direct wages rupees 1 lakh, variable overheads 80% of direct wages, profit 20% of sales. So this is the information that is given. So we have to calculate the solution. In this question, for calculating the fixed cost, while discussing the chapter of marginal costing, I'll see फॉर्मूला या कॉस्ट इक्वेशन कैसे दिया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन अच्छी रूल पढ़े सी जिसके थ्रू ये फॉर्मूलेस दी वैल्यूज डिफाइन की दी जाएंगी है. फॉर्मूला इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. देखो गिवन इंफॉर्मेशन की है, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कैलकुलेट कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट भी सानू गिवन है असी कैलकुलेट कर लाए. तब सेल्स साडे कोल किन्नी है रुपीस 5 लाख रुपीस सेल्स है जी, 5 लाख रुपीस सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट. हुन साडे वेरिएबल कॉस्ट की होएगी जिंदे विच साडे डायरेक्ट मटेरियल दा खर्चा भी है, डायरेक्ट वेजेस दा खर्चा भी है, ते वेरिएबल ओवरहेड्स दा भी खर्चा सी इंक्लूड करदे हां. तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की हो गया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स. डायरेक्ट मटेरियल साडे कोल गिवन है किन्ने जी 1,20,000 रुपीस प्लस डायरेक्ट वेजेस किन्ने है जी 1 लाख रुपीस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स. उन वेरिएबल ओवरहेड्स की गिवन है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का 80% डायरेक्ट वेजेस कितनी है गिवन है 1 लाख रुपीस. हम वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने हम 80% ऑफ रुपीस 1 लाख, 100% 1 लाख है तब 80% 80,000 हो जाएगा. ऑब्वियसली वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे 80,000 रुपीस, बिकॉज़ 80% ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 80% करेंगे तो 80,000 रुपीस आ जाएगा. तो सर देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 1,20,000 प्लस 1 लाख, 2,20,000 प्लस 80,000 दैट इज रुपीस 3 लाख, 3 लाख रुपया सडी वेरिएबल कॉस्ट आ गई. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली सी रुपीस 3 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करनी है. फिक्स कॉस्ट ऐसे पता लगानी है, तो फिक्स कॉस्ट साडे कोल एज इट इज ही एफ दे नाल डिनोट करेंगे प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट की गिवन है जी 20% ऑफ सेल्स, सेल्स साडे कोल गिवन है 5 लाख रुपीस, प्रॉफिट कितना आ जाएगा नॉट 1 कर देंगे नु असी, ठीक है जी नॉट 2. जिंदे च असी की कर रहे हैं साडे कोल प्रॉफिट गिवन है 20% ऑफ सेल्स, तो 20% ऑफ सेल्स तो सेल्स साडे कोल किन्नी है गिवन है रुपीस 5 लाख, तो 20% ऑफ रुपीस 5 लाख, 5 लाख का 20% करेंगे रुपीस 1 लाख आ जाएगा जी, रुपीस 1 लाख. साडे कोल प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी. हुन असी फिक्स कॉस्ट पता करनी है 5 लाख माइनस 3 लाख रुपीस 2 लाख,
is equal to fixed cost plus 1 lakh rupees. फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर इस 1 लाख में से इधर ले जाएंगे तो माइनस दे हो जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख तो सर डिकल दिया फॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीस 1 लाख दैट इज आवर आंसर आई होप यू गॉट द फॉर्मूला कहीं ऐसी इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू ऐसी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पता लगा ली फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या कि साडा 1 लाख रुपया कि सानू खर्चा करने पैना असी किसी भी तरह का प्रोडक्ट अगर बना रहे तो दे सानू फिक्स एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट का खर्चा 1 लाख रुपया करना ही पैना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई होप यू लाइक द न्यूमेरिकल एंड फर्दर वी विल डिस्कस फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स इन द लेटर वीडियोस थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट इट इन द कमेंट बिलो थैंक यू सो मच